चलिए आ गए हैं लाइव। आज के इस वीडियो में और आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा? 3। 11th का चैप्टर 3 रेनबो पार्ट 1 का, जिसका नाम है ए स्नेक इन द ग्रास। क्या नाम है? ए स्नेक इन द ग्रास, और इसको लिखा है आर के नारायण। और आर के नारायण इंग्लिश जगत के एक बहुत अच्छे जो है ना राइटर रहे। शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखा, नॉवेल भी लिखा, यानी उपन्यास जिसको कहते हैं, मोटी मोटी किताब है। यहाँ तक समझिए कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जब तक आप पढ़िएगा तब तक आर के नारायण से आपका भेंट होते रहेगा, तो बहुत ही जरूरी है ये चैप्टर। और बड़ा बढ़िया लिखते हैं। देखिए आज सांप बला है, ऐसे भी समझिए इंटरेस्टिंग। सांप बला आता है गाँव में, कैसा इंटरेस्ट जग जाता है। वैसे ही आज चैप्टर है ए स्नेक इन द ग्रास। स्नेक का क्या मतलब होता है सभी जानते हैं, सांप। ग्रास का क्या मतलब होता है? घास। यानी कि ऐसे चैप्टर का नाम हुआ कि स्नेक कहाँ पे है? घास पे, यानी घास में सांप। ये तो ऐसे ही है, चैप्टर है ए स्नेक इन द ग्रास। अब चलिए आज जो है कि चैप्टर 3 है और इसके समरी को हम लोग देखते हैं। समरी मतलब क्या होता है? सारांश। इसके सारांश को देखेंगे, क्या है ये पूरा कहानी क्या है। देखिए आपको पूछेगा भी सारांश लिखने के लिए तो आपको ऐसे ही लिखना रहेगा कि कैसे लिखे सारांश को, 8 नंबर का या 5 नंबर का पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास जो चैप्टर है उसको देखो इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिए है ना। वैसे ही आपको अब इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है, वरना उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा, फिर इज फिर इन। तो ए स्नेक इन द ग्रास इज ए शॉर्ट स्टोरी। ये एक कैसी कहानी है? एक लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है, विच हैज बीन रिटन बाय, जो कि लिखा गया है द फेमस राइटर आर के नारायण। किसने लिखा है? आर के नारायण। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा। और ये जो है कि 10 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1906 में, और 13 मई 2001 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? निधन हो गया। ठीक है, विच हैज बीन रिटन बाय आर के, जो है कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर। और वो क्या है? एक ग्रेटेस्ट, एक महान शॉर्ट स्टोरी क्या है? राइटर है इन इंडिया। कहां के? भारत के एक ग्रेटेस्ट यानी कि महान क्या है? शॉर्ट स्टोरी लेखक है, यानी लघु कथा लिखने में बहुत माहिरी रही इनकी, आर के नारायण की। ही ऑल्सो रोट, इन्होंने लिखा नॉवेल एंड एसेज। इन्होंने नॉवेल भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, एसेज यानी निबंध, निबंध को भी लिखा। द स्टोरी ऑल्सो हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये जो स्टोरी है ये स्नेक वाला, ये भी लिया गया है फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी। ये एक कहानी संग्रह है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी एक किताब है, उसमें बहुत सारी कहानी है, उस कहानी संग्रह से ये वाली कहानी ली गई है। ठीक है, कौन सा? ए स्नेक इन द ग्रास। इट इज अबाउट ए कोबरा, और ये कहानी किसके बारे में है? एक कोबरा के बारे में है। तो देखिए कोबरा के बारे में क्या है कहानी और क्या है इसका समरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि द स्टोरी स्टार्ट्स, स्टोरी जो है स्टार्ट होता है विथ द अनाउंसमेंट। स्टोरी जो स्टार्ट होता है वो अनाउंसमेंट से स्टार्ट होता है। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? घोषणा। ठीक है, एक घोषणा से शुरुआत होता है दैट ए कोबरा एंटर्ड द कंपाउंड। किस घोषणा से शुरुआत होता है कि एक कोबरा है इंटर मतलब दाखिल हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? परिसर में, फील्ड में, मैदान में जो है क्या आ गया है? कोबरा आ गया है। जल्दी से अनाउंसमेंट, घोषणा ऐसा करते हुए जा रहा है कि कोबरा आ गया है, कोबरा आ गया है। कहां आ गया है? मैदान में। द फैमिली गेट्स टैरिफ, ये टेररिस्ट से बना हुआ है सब, और फैमिली जो है, परिवार सब जो है वो डर जाते हैं, अरे कोबरा घुस गया है मैदान में, परिसर में। द सर्वेंट दासा वाज स्लीपिंग, और जो वहां का नौकर रहता है वो, उसका नाम दास है, वो जो है सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा है इन द कंपाउंड, और कंपाउंड में ही क्या कर रहा है? सो रहा है। पता चला कि कंपाउंड में क्या आ गया है? कोबरा आ गया है, और जो है सर्वेंट जो है कंपाउंड में ही आराम से सोया हुआ है। वेन दे ट्राई टू वोक हिम अप, यानी कि वेन दे ट्राई टू वोक हिम अप, यानी कि वेकअप इन द मॉर्निंग कहते हैं ना, सवेरे जगते हैं। तो जैसे ही वे लोग सर्वेंट को जगाने की कोशिश करते हैं,
ही सेज, उसके बाद वो कहता है, ही सेज दैट देयर इज नो कोबरा, सोया हुआ है, कहता है कोबरा आ गया, कोबरा आएगा, जल्दी से जग जाओ। तो सर्वेंट कहता है कोई कोबरा नहीं है, यानी उठने का मन उसका नहीं है। तो यहाँ कहता है कि कोई भी कोबरा नहीं है। अब देखिए यहाँ दे ऑल स्टार्ट सर्चिंग, और सब कोई सर्च, सर्च का मतलब क्या होता है, खोजना, और सब कोई स्टार्ट कर देते हैं सर्चिंग करना, यानी खोजना स्टार्ट कर देते हैं सांप को। स्टिल इट इज नॉट फाउंड, और तब भी वो नहीं मिलता। सब कोई खोजना स्टार्ट करते हैं, फिर भी क्या होता है, सबको क्यों कोबरा नहीं मिलता है। एवरीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग, और सब ब्लेमिंग का मतलब क्या होता है, दोष देना। सब कोई एक दूसरे को दोष देना चालू कर देते हैं, द सर्वेंट और सर्वेंट को, यानी कि ब्लेमिंग। अच्छा पूरा सेंटेंस फिर से पढ़िए, एवरीबडी स्टार्ट ब्लेमिंग द सर्वेंट। अच्छा सब कोई दोष देना चालू कर देते हैं सर्वेंट को, कि तुम्हारे चलते ही नहीं मिला है, मिल जाता। द स्नेक चार्मर, यानी सांप पकड़ने वाला सपेरा, ऑल्सो मेक्स एन एक्सक्यूज, और वह भी एक एक्सक्यूज कर देता है। कौन कर देता है, सपेरा। सपेरा भी जब आता है वह भी एक बहाना बना देता है, दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। वो क्या बहाना बना देता है, कि वह कुछ नहीं कर सकता है, अनटिल दे फाइंड इट, जब तक कि उस सांप को खोज नहीं लिया जाए। देखेंगे तब ना पकड़ेंगे, जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो कैसे पकड़े। तो जब तक कि उसको खोज नहीं लिया जाए, एट लास्ट द सांप प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, नाटक करना। ये आपका जो है 12th में भी ये शब्द आएगा स्टोरी में ही। एट लास्ट दासा अंतिम में क्या करता है, एक बहाना कर देता है, नौटंकी एक प्रकार का खेल देता है, कि दैट ही काउच इन ए पॉट, और वो जो है झूठ मूठ का बोल देता है कि वो काउच कैच, यानी कि पकड़ लिया है उसको पॉट में, एक पॉट में जो है ना कोबरा को, सर्वेंट कहता है हम तो पकड़ लिए है ना कोबरा को, पॉट में रखे हैं उसको पकड़ के। बट सून आफ्टर, लेकिन जल्दी ही लिप्स, और उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। द यंगेस्ट सन ऑफ द हाउस, लेकिन जो घर का जो एकदम जवान बेटा होता है, सी द को, डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। तो अब देखिए ये कहानी क्या होता है, द स्टोरी रिवील्स, रिवील्स का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। ये स्टोरी उजागर करता है, रिवील्स द रियल कैरेक्टर ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट के रियल कैरेक्टर को, रियल चरित्र को जो है इसको रिवील करता है, उजागर करता है। इट ऑल्सो सॉ, और ये दिखाता है ह्यूमन नेचर, और मनुष्य के स्वभाव को भी दिखाता है, सच एज लेजीनेस, आलसपन एंड फॉल्स एटीट्यूड, यानी कि ये आलसपन, जैसे अब सोया हुआ है सांप आया, अगर अगर सर्वेंट एक्टिव रहता तो खोज लिया जाता सांप को, लेकिन वो बोला नहीं कोई कोबरा नहीं है, नहीं खोजा, और सब कोई जब सर्चिंग करना स्टार्ट किया तो वो भी लेट से किया, तो यह सब जो है कि दिक्कतें इसमें आई। और उसके बाद झूठ में फॉल्स एटीट्यूड यह दिखाया कि उसको पॉट में पकड़ के रखे हुए हैं, तो यह सब क्या था, झूठ था, जबकि पकड़ के नहीं रखा हुआ था। तो यही सारा ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी है आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण खुद एक इंपॉर्टेंट जो है कि किरदार है आप लोगों के जीवन के लिए। जब तक इंग्लिश पढ़िएगा जो है कि इंडियन राइटर आर के नारायण से आपका जो है भेंट मुलाकात होते रहेगा। तो ये एक संक्षिप्त जो है कि था किसका, एक चैप्टर ए स्नेक इन द ग्रास का, ठीक है। उम्मीद है कि ये जो है कि समझ में आया होगा आज का क्लास, और आगे हम लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन बैच में करेंगे। ऑनलाइन इसीलिए बना दिए हैं कि आप ही लोग जब किताब में पढ़ रहे हैं फिर से कहेंगे छूट गया, या फिर से समझना, फिर से आइए, फिर से इसी वीडियो को देख लीजिए। हो गया, सेम टू सेम वही क्लास है जो आप यहाँ किए थे, वही क्या है यहाँ पे है। लेकिन सारा चैप्टर का जो है कि लाइव क्लास देना संभव नहीं है, बहुत सारा है, दो तीन चैप्टर दे करके आपको दिखा दिए कि इस प्रकार से ये सारा चैप्टर है और ऐसे पढ़ा जाता है। अब लाइव में अलग टॉपिक के साथ अलग दिन मिलेंगे अलग क्लास में।